हेलो दोस्तों अल्लाम उस वाल सभी का आपके अपने चैनल का फिर टी में हाजिर हूं कोशिश से आ रही एक और इंपॉटेंट अपडेट लेकर आप सभी के सामने गवर्नमेंट की तरफ से यह अपडेट आ रही है गवर्नमेंट ऑफ कोैत की तरफ से लोकल अरबिक न्यूज़पेपर अल अंबा ने यह रिपोर्ट किया है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एविएशन के हेड शेख सलमान अल हमूद ने बात की है चेयरमैन हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कोत एयरवेज़ के अली मोहम्मद अल दुखन और चेयरमैन हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जजीरा एयरवेज़ कंपनी के मारवम मारवन बोधी जिनके साथ ये डिस्कशन किया गया है और ये एक डिटेल प्लान को तैयार करने के लिए डिस्कशन किया गया है कि जो फ़्लाइट्स कोत आएंगी बैंड कंट्रीज से वो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ डॉक्टर शेख डॉक्टर बासिल अलसभा के आ, जो बताए हुए नॉर्म्स हैं जो कंडीशन हैं उनको फॉलो करती हुई आएंगी इन्फॉर्म सोर्सेज की माने अगर तो ये एक एक्सक्लूसिव एक ख़ास तौर से स्टेटमेंट जारी किया गया अलम्बा को जिसमें बताया जा रहा है कि स्काइज़ को यानि आसमान को फिर से खोला जाएगा ताकि बैंड कंट्री से जो डोमेस्टिक वर्कर्स को बुलाने की बात चल रही है जो फैमिली जो कोती फैमिलीज़ के यहाँ काम करते हैं उनको पूरे तरीके से सही तरीके से बुलाया जा सके सोर्सेज ने ये बात आगे बताई है कोैत और जजीरा एयरवेज़ ने एक प्लान जो है वो तैयार करने वाली हैं और वो पेश करने वाली हैं ताकि डोमेस्टिक वर्कर्स जो काम करते हैं कोैती फैमिलीज़ में वो वापस आ सकें और उनका री एम्प्लॉयमेंट शेड्यूल जो है उसको तय किया जा सके जो कुछ बैंड कंट्री से आने वाले हैं उनके उनका जो लोकल चेक जो होगा उसकी कॉस्ट देखा जाएगा क्वारंटाइन जो करेंगे वो चौदह दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन पीरियड जो होगा उसकी कॉस्ट को देखने के लिए बात की जा रही है अगर सोर्सेज की माने दोस्तों तो ये बताया जा रहा है कि प्लेन टिकट जिससे वो आएंगे कोैत या पी चेक होगा जो उनका पी टेस्ट या जो चौदह दिन का वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करेंगे ये उनका स्पॉन्सर ये सारी कॉस्ट ये सारे खर्चे को झेलेगा यानी जो बुलाने वाली फैमिलीज़ हैं कोैती फैमिलीज़ जो अपने डोमेस्टिक वर्कर्स को बुलाने वाली हैं उनको पहले एक रिपोर्ट दाखिल करनी होगी गवर्नमेंट के पास जिसके तहत वह अपने डोमेस्टिक वर्कर्स को बुला सकती हैं और इन सारी चीज़ों का खर्चा यानी चौदह दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का पी चेक का उनको बुलाने के प्लेन टिकट्स का यह सारा खर्चा उन लोगों को देना पड़ेगा और यह डिसीजन लिया गया है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने लिया है और इस डिसीजन का इंप्लीमेंटेशन होना बाकी है और ये जल्द ही इस डिसीजन के ऊपर काम करने वाली है कोई सरकार और अब शुरुआती दौर में पहले वो डोमेस्टिक वर्कर्स को बुलाएंगे बाद में आम तौर पर जो एक्सपर्ट्स आने वाले हैं जो फंसे हुए हैं उनको बुलाने की बातचीत लगातार चल रही है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में और जजीरा और कोवैत जैसी कोैत एयरवेज जैसी और भी कंपनीज़ हैं जो लगातार प्रेशर सरकार के ऊपर बनाई हुई हैं कि लोगों को जल्द से जल्द वापस बुलाया जाए जिससे टूरिज़्म होटल और दुनिया भर के जो बिजनेस जो डिपेंड करते हैं टूरिज़म पर उनको जल्द से जल्द बढ़ावा दिया जा सके ताकि कोत की जो इकोनॉमी है उसको अपस्केल किया जा सके यानी उसको बढ़ाया जा सके दोस्तों ये थी अपडेट अगर की अपडेट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की अपडेट हम लगातार आपके पास लेकर आते रहें और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे बने रहिए हमारे साथ मिलते हैं अगली अपडेट में जब तक लिए अपना के अपना ख्याल अस्सलाम हाफिज़